सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में पार्ट 12 पढ़ेंगे, अच्छा पड़ोसी। तो आप सभी हिंदी की किताब निकाल लें, पेज नंबर 64। पड़ोसी, बच्चों आपको पता होगा पड़ोसी का मतलब होता है जो हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं पड़ोसी। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अच्छा पड़ोसी के बारे में। यह मीनू नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। ये उसके पड़ोसी में एक वृद्ध आदमी रहता था जो कि बहुत ही कमज़ोर था और बिल्कुल अकेला था, पर दिखने में वह जंगली, उसके आँखें जंगली जैसा और उसके बाल बहुत गंदे थे। पर इस बात की चिंता किए बिना, परवाह किए बिना, जो मीनू थी वह हमेशा स्कूल से वापस लौटते समय इस वृद्ध आदमी के लिए बिस्किट और कुछ फल ला देती। मीनू हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानती थी और इस वृद्ध आदमी के साथ कभी नहीं खेलती थी। एक दिन मीनू के माता पिता उसे उसके घर में अकेले छोड़ के चले गए थे और वह उसे जो गार्ड होते हैं और उनके माता पिता यही बोल के चले गए कि अगर किसी, यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सीढ़ी से नीचे वाले परिवार को कह देना। एक दिन ये वो अपने बच्चे को छोड़ के चले गए। उसके बाद इसके मीनू के घर से खाना पकाने वाली जो गैस होती है उसकी दुर्गंध आने लगी। वहीं से पास से गुजर रहे वह वृद्ध आदमी उस दुर्गंध को सूंघ लेता है और तुरंत ही अपने उसी घर से गार्ड को बुलाता है और समय गंवाए बिना ही दरवाज़ा को तोड़ देता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तो मीनू ज़मीन पे लेटे हुए दिखती है। वो तुरंत ही उस मीनू को उठाकर डॉक्टर के पास बिना समय गंवाए उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि आप सही समय पर इसे ले आए हैं। और जब तक कि ये उसके पास ही बैठा रहता है जब तक कि उसके मीनू के माता पिता नहीं आ जाते। जैसे ही मीनू के माता पिता को ये बात पता चलती है तो मीनू के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वे इस वृद्ध आदमी को धन्यवाद कहती हैं। तब ये वृद्ध आदमी बोलता है धीरे से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जानते ही हैं कि मीनू मेरी परवाह, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, मीनू ही सिर्फ मेरी देखरेख करती है और मेरे बारे में ख्याल करती है, किंतु मीनू प्रतिदिन मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर के आती रहती है। यस, तो आज मीनू की दयालुता के कारण ही उसके पड़ोसी ने उसकी जीवन की रक्षा की। इसीलिए बच्चों हमेशा एक दूसरे से प्यार से बात करें, अच्छे से रहें और एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है, कभी आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है उन लोगों की और कभी उनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप सभी ध्यान रखें कि आपके पड़ोस में जो भी कुछ हो रहा है ऐसा अनदेखा ना करें, सबकी सहायता करें, सब एक साथ रहें और एक साथ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।